सोमवार को गोरखपुर शहर में रोड शो के दौरान उमड़े जन सैलाब से गदगद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह जन सैलाब इस बात का प्रमाण है कि आतंकियों के पैरोकार और अपराधियों को संरक्षण देने वाले विपक्ष का सुपड़ा 10 मार्च को साफ हो जाएगा। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद आतंकवादियों के समर्थक अपराधियों के संरक्षक और भ्रष्टाचारी कहीं नजर नहीं आएंगे। विजय चौक पर रोड शो के ठहराव स्थल पर उमड़ी भीड़ से मुखातिब सीएम योगी ने कहा कि उमड़ा जनसैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सुरक्षा, सुशासन, विकास एवं राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्धता व ईमानदारी से किए गए कार्य पर भी मुहर लगा रहा है। जनसमूह को अपार समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे निकल चुकी है। 10 मार्च को प्रदेश में बुलडोजर वापस आ चुका होगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से भगवा रंग पर किए गए कटाक्ष का करारा जवाब देते हुए कहा कि भगवा रंग भारतीयता का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, भगवान सूर्य का रंग भी भगवा ही है। स्वामी विवेकानंद वैश्विक मंच से कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वह भी भगवाधारी ही थे। अंत में मुख्यमंत्री ने जब मैं भी भगवा का नारा दिया तो समूचे जनसमूह ने एक स्वर में उनका साथ दिया, हम भी भगवा। माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में करता हूं भाइयों बहनों, आपका यह आज गोरखपुर का बड़ा है जन सैलाब इस बात को प्रमाणित करता है कि जो लोग आतंकवाद के समर्थक है, जो लोग अपराधी उन लोगों का फिर एक बार प्रदेश के अंदर सुपड़ा साफ होगा। उमड़ा जनसैलाब इस बात को प्रमाणित करता है। भाइयों बहनों, मैं विश्वास के साथ कह सकता 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी इन 5 चरणों के चुनाव में बहुमत से काफी आगे जा चुकी है और यही कारण रहा है। अरे यार, झंडा तो पागल कर दो। चरण के चुनाव के बाद ही कई विपक्षी नेताओं ने विदेश भागने की अपनी टिकट बुकिंग करनी शुरू कर दी है। 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे, ये आतंकवाद समर्थक
संकल्पित है, दोनों हाथ लगा के मेरे साथ संकल्प कर सकते हैं।